अरे ओ बहू, जरा एक कप चाय लाना तो। अभी लाई माँ जी। माँ जी ये लीजिए चाय। बहू चाय कितनी फीकी बनाई है। माँ जी चाय तो ठीक बनाई है। चल ठीक है, जुबान ना लड़ा। बहू। हाँ जी माँ जी। ये ले मेरी साड़ी प्रेस कर देना। जी माँ जी। और हाँ ध्यान से करना, ये साड़ी तेरे ससुर जी ने दिया है। ठीक है। हाँ ओ शिट, गैस पे तो दूध रखा है। अरे मुरी मैया, आग लग गई घर में। क्या हुआ माँ जी? मेरी साड़ी जला दी। क्यों रे कंगुई, जला दी ना मेरी साड़ी? तुझसे बोला था कि ध्यान से करना, लेकिन नहीं, तुमसे तो एक भी काम ढंग से नहीं होता है। तेरी माँ ने तेरे मौके में कुछ सिखाया खाया है कि नहीं? माँ जी वो गैस पे दूध बहने लगा था तो मैं प्रेस को साड़ी पे भूल करके गैस बंद करने चली गई थी। कोई भी काम ठीक से नहीं करना होता है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। चुप, एकदम चुप। एक तो दहेज में कुछ नहीं लेकर के आई और जो कुछ भी है उसको फूकने पे लगी पड़ी है। कोई भी काम ठीक से नहीं करना होता है। अगर कोई काम कहो तो उसका सत्यानाश कर देना है। पता नहीं कहाँ से करम चली, ये हमारे नसीब में बिठाई गई थी। अरे दीदी आप बिटिया, तू कब आई? आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ बिटिया, रो क्यों रही है? माँ आप जो यहाँ भाभी के साथ कर रही हैं, सेम ऐसे ही मेरी सास मेरे ससुराल में मेरे साथ करती है। माँ क्या हम बहुए इंसान नहीं है जो हमसे कोई गलती नहीं हो सकती है? क्या फिर किसी की जरूरतों को पूरा करने की एक मशीन है कि जब जी चाहे किसी भी चीज के लिए ताना मार दे कि तेरे बाप ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया? आखिर कब तक ये सब सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा?